ये पार्लियामेंट के अंदर की बात और पार्लियामेंट की ही बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जहां कल मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर ऐवान को जानकारी दी और कहा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां पर निकाला गया और मुकामी मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मुसलमानों की जानिब से इन पंडित कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला, वहीं पर फारूक अब्दुल्ला को ये बात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुई पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने लगभग 4 साल के बाद पार्लियामेंट के अंदर अपने उस जज्बाती अंदाज में जवाब दिया कि जिस तरीके से बात को पेश किया जा रहा है असल में हकीकत ये नहीं, बल्कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी कुछ इकदाम उठाए गए थे कश्मीरी पंडितों के हवाले से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक सरहद पार से ऐसी साजिशें भी बनी, उन्हें टारगेट किया गया, उनके लीडरान के ऊपर हमले हुए, मिलिटेंट अटैक्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी कोशिश थी, सेंट्रल कश्मीर हो साउथ कश्मीर हो, उन्होंने खुद कश्मीरी पंडितों के अपने दौरे इकतदार में गाड़ियां रोककर उन्हें अपने घरों के अंदर बसाया। और हुकूमत का जो जवाब था कल ऐवान के अंदर उस पर हालांकि काफी ज्यादा तकरार भी हुआ, बीच में नित्यानंद राय भी खड़े हो गए, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक ये कहना सरासर गलत है कि उनके होते हुए इकदाम नहीं उठाए गए। उनके मुताबिक मरकज के साथ रियासती हुकूमत के साथ मिलकर हमने काम किया, लेकिन कुछ चीजें हुई, कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कई कश्मीरी पंडितों को वापस घरों के अंदर बसाया, कश्मीर नहीं छोड़ने दिया। लेकिन हुकूमत जवाब दे कि 8 वर्षों में कितने कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटे हैं। यू रिमेंबर आई वाज चीफ मिनिस्टर एंड आई ट्राइड टू ब्रिंग कश्मीरी पंडित बैक होम। Gujral Sahib was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandharbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. And don't forget, I was Chief Minister, sitting in the Assembly, please. And they came to attack the Assembly. 5 minutes before I had left the Assembly because I had to meet the Governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the Assembly and said, where is Farooq? They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not... डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जवाब दे रहे थे जब मरकजी वजीर की जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की गई और कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात की गई, तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐवान को बताया कि जब वो वजीर आला थे तो उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हिफाजत को यकीनी बनाया और उनको वादी से बाहर